नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राजस्थान BSTC रिजल्ट 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान BSTC का रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों, अब आपकी जो है दोस्तों काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, पहली लिस्ट कब आएगी, कब तक आपको कॉलेज मिल जाएगी दोस्तों, इस वीडियो में बताऊँगा। इसी के साथ दोस्तों, आपकी कट ऑफ भी आपको फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में दोस्तों, अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको राजस्थान BSTC की सभी प्रकार की अपडेट आने भी दोस्तों देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताओ दोस्तों, आपका रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों ने अपना रिजल्ट भी देख लिया होगा। अब जो है काउंसलिंग का सभी स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको काउंसलिंग कराने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, और कैसे आपको जो है काउंसलिंग करानी है, इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं काउंसलिंग के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों। रिजल्ट आने के 6 से 7 दिन बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ यहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक आपका रिजल्ट, जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट आपके पास होना ज़रूरी है। रिजल्ट की प्रिंट आपको अपने पास रखनी है। दूसरा दोस्तों, आपका जो होता है 3,000 रुपये, जी हाँ दोस्तों, 3,000 रुपये जो आपको काउंसलिंग कराते समय दोस्तों वहाँ पर जो है जमा करने होती है। अगर आपको कॉलेज मिलती है तो वो फीस में ऐड हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, आपको जो है जैसे आप काउंसलिंग कराओगे तो वहाँ पर कॉलेज चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा कि कॉलेज उसमें आप चॉइस कर सकते हो। तो अगर आपके कम नंबर हैं दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें और ऑल राजस्थान पर भी टिक करें दोस्तों। अगर आपके दोस्तों ज़्यादा नंबर हैं तो आप अपने हिसाब से भी कॉलेज भर सकते हैं। अगर जितने 50 या 10 या 20, डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर हैं। और इसके बाद दोस्तों लास्ट में एक ऑप्शन आता है ऑल राजस्थान का, तो ऑल राजस्थान आपको ज़रूर करना है भले ही अगर आपके ज़्यादा नंबर हों। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि आपको जो है अपना रिजल्ट के बाद, दोस्तों रिजल्ट आपका आ चुका है, अब आप कट ऑफ कितनी रहेगी दोस्तों, कट ऑफ को लेकर भी स्टूडेंट मेरे को कमेंट करें सर कट ऑफ कितनी रहेगी। तो कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ की बात करूँगा दोस्तों। फर्स्ट लिस्ट आपकी काउंसलिंग के दोस्तों 10 से 15 दिन के अंदर जारी हो जाती है। तो फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, 390+ जाएगी। OBC की भी फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ 380+ जाएगी दोस्तों। EWS की 375+ जाएगी। ये दोस्तों फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ है, फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ हाई रहती है, आप सबको पता होगा। और SC कैटेगरी की बात करूँ तो 370+ यहाँ पर कट ऑफ जाएगी। ST कैटेगरी की 365+ यहाँ पर जो कट ऑफ है वो जाएगी फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ। ये होगी दोस्तों फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ, पिछली साल की अपेक्षा कम रहेगी क्योंकि 1.95 लाख फॉर्म दोस्तों कम भरे गए थे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्हें BSTC नहीं करते हैं, बाद में उनका मूड चेंज हो जाता है, PTT करते हैं, BEd करते हैं। तो BEd की कट ऑफ भी दोस्तों हाई जाएगी इस साल, लेकिन जो BSTC है उसकी कट ऑफ है दोस्तों कम जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा दोस्तों। काउंसलिंग जैसे ही आप करवा लोगे 10 से 15 दिन के अंदर आपको कॉलेज है दोस्तों मिल जाएगी, आपकी लिस्ट पे आ जाएगी फर्स्ट लिस्ट। इसके बाद दोस्तों सेकंड लिस्ट आएगी, इसके बाद थर्ड लिस्ट जारी की जाएगी। तो जैसे जैसे लिस्ट निकलती जाएगी आपकी जो कट ऑफ है वो कम होती चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर भी कोई डाउट है दोस्तों आपके मन में तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी अपडेट मिलती रहे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।